গরি 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 এনে গোড়ে অন্ধা হে কা দেখে নেই হ্যাঁ মা গরি না দেবী জি বেগড়তি ক্যুঁ হো গোরী তো কাকো গালি তো নেই দি আব দিদে ফাড় ফাড় কে দেখে ক্যা হ্যা সোচ রহা হুঁ ये सूरत कहीं देखी हुई है हाँ जरूर देखिए काली देवी के मंदिर में देखा काली कलूटी बैंगन लूटी काली कलूटी बैंगन लूटी काली कलूटी बैंगन लूटी काली कलूटी बैंगन लूटी जी प्रणाम और कैसी हो चौधरी जी पाए लागू चौधरान अरे अच्छे वक्त पे आ गई तू परसों बिरादरी का खाना है अपना गोविंदा शहर से आ गया है ना सो 1000 उपले दे जइयो इकन्नी सैकड़ा दूंगा पैसे की क्या बात करो फिर चौधरी जी अरे गोविंदा आया है ना इस खुशी में उपले मुखद ही दे जाऊंगी अरे चल चल मुझे तेरा उपकार नहीं चाहिए अरे तुम्हें और कोई नहीं मिला ये सब भागन को उपले लाने को कह दिया खुशी का मौका है इस उल्टा की परछाई भी पड़ गई तो कहीं रंग में भंग ना हो जाए कौन थी मां जिसे इतना कोस रही हो अरे वो ही चमारन की छोकरी चावली चावली ये थी चावली काली कलूटी बैंगन लूटी कमबख्त जैसी कलूटी है वैसी ही जन्म जली भी बचपन में ब्याह हुआ तो पति को खा गई माँ बाप है जे में मर गए ऐसी कुलटा की तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए अरे अब तुझे क्या हुआ कुछ नहीं बाबा सोच रहा था जीवन भी अजीब गोरख धंधा है पलक झपकते दूध पीती बच्चा इतनी बड़ी गाय बनकर सींग मारने लगती है चावली अरे पहचाना मुझे बता तो कितने वर्षों के बाद मिले 1000 बरस बस 1000 बरस इससे आगे की गिनती मुहे ना आवे है या बैठे क्या कर रही है इस तलैया के पानी में अपने छुटपन को खोज रही हूँ मैं भी देखूं मुझे भी उसी का लाश है जहाँ तू न जाएगी
वहाँ मैं भी नहीं जाऊँगा, मंदिर में न स्कूल में। और जो तेरे बापू ने देख लिया आज छुटाई कर दी तो वो 3 दिन से तू स्कूल ना गया है। अरे तो मैं बाबा से डरू हूँ क्या? सामने आ जाए तो साफ साफ कह दूँ, जहाँ चार दिन नहीं जा सकती वहाँ मैं भी नहीं जाना चाहता। नहीं जाएगा? अबे तू तो क्या, तेरा बाप भी जाएगा, और जहाँ के स्कूल में नहीं, लल्लू काका के साथ शहर वाले स्कूल में, समझा बेटा? ना बाबा, मुझे शहर ना भेजो। तो क्या तुझे यहाँ छोड़ दूँ उस चमारन की छोकरी के संग खेलने के लिए? कल मलखान चौधरी कह रहे थे कि तू उसका झूठा आम चूस रहा था, अभी सुनती हो? तुम्हारे इस छोकरे ने तो हमारा धर्म प्रश्न कर दिया। चाहता है कि तंग आ गया हूँ मैं इस छोकरे से। लल्लू भैया तुम तो इसको ले जाओ शहर, जब तक ये 10वां दर्जा पास न कर ले वहीं रहेगा शहर में तुम्हारे पास। अब तो ये इस गांव में बाबू ही बनकर आएगा, चाहे इस बात में 10-12 बरस ही चौने लग जाए। चौधरी काका, गोविंदा को शहर न भेजो, जितना मारा जाए वो मुझे मार लो। अब मैं उसे अपना झूठाम कभी नहीं चूसने दूंगी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। चल हट। अच्छा छोकरी, मुझे छोड़ दिया, अब दोबारा स्नान करना पड़ेगा। क्यों रे कंजे, कहीं से तू शहर से ढेर सारा पढ़ के आ रहे है? अब तो तू पूरा बाबू बन गया होगा ना? स्कूल में कुछ पढ़ा तो हूँ लेकिन बाबू बाबू बनने का मुझे कोई शौक नहीं। है क्यों? बाबू बनेगा तो बड़ी इज्जत होगी, कोट पतलून पहन के कोठी बंगले में रहेगा, मोटर कार्ट में पाँव पाँव करता फिरेगा। काली कल दो टके को नहीं पूछता तो 2.90 पैसे कहो। अच्छा तो इतनी समझ आ गई तुम्हें? हाय माँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। क्या हुआ? मंदिर में पूरे 50-90 पैसे का चढ़ावा चढ़ाना है, मन्नत मानी थी। काहे की मन्नत? वो नहीं बताती। अरे बता ना। नहीं, पहले मंदिर चलो भगवान के दर्शन करने, वहाँ बताऊंगी। तुम्हारे गांव के मंदिर में मैं तो नहीं जाता। हाय माँ, क्यों? तूने अपनी मन्नत की वजह बताई थी जो मैं तुम्हें बताऊं? अच्छा मैं हारी, मैंने मन्नत मानी थी तेरे आने की। अच्छा, अब तू बता क्यों नहीं जाता मंदिर? भूल गई वो दिन जिस दिन पुजारी ने तुम्हें मंदिर से बाहर निकाला? उस दिन मैंने भी सौगंध खाई थी, जिस मंदिर में तू नहीं जा सकती मैं भी नहीं जाऊंगी। पर अब चल गोविंदे, 2 बरस होने को आए, मंदिर के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं, अब तो पुजारी जी मुझे प्रसाद भी दे देवे हैं, बड़े अच्छे हैं पुजारी जी, हरिजनों से बड़ा प्रेम करे हैं। हाँ चल ना। चल। पुजारी जी, ये गोविंदा है। अच्छा अच्छा, अहीर का छोकरा है ना? इंसान का बेटा पुजारी जी। नए विचार, जीना है तो जलना भी होगा, क्यों चावली? इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में ना आ रही हैं। पुजारी जी, ये गोविंदा है ना, शहर से ढेर सारा पढ़ के आया है। अच्छा अच्छा, इसी के लिए तूने पूजा कही थी ना, तो फिर देखते क्या है, चढ़ा चढ़ा दे ला। गोविंदा तू ले पहले, ले 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 ले। क्या हो रहा गोविंदे? कल तू उस चमारन के छोकरी के साथ मंदिर में गया था और उसके हाथ से प्रसाद भी खाया था। हाय राम, प्रसाद भी खाया था? तो क्या पाप हुआ माँ? अब तो मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। गोविंदा की माँ सुन लो अपने पूत की करतूत, बिरादरी वालों ने साफ कह दिया है कि हम ऐसे घर रोटी भी नहीं खाएंगे जहाँ खुले खजाने धर्म का नियम तोड़ा जाता है। कल पंचायत होगी, हमारा हुक्का पानी बंद करने की बात हो रही है। तो फिर कर दे हुक्का पानी बंद, हमें ऐसे लोगों से मेल मिलाप नहीं चाहिए जो अब तक छूट छात बरतते हैं। बेटा क्यों तो उस उल्टा के कारण सारे गांव से दुश्मनी मोल ले है? माँ चावली उल्टा नहीं, गांव वाले जो कुछ भी उसके बारे में कहते हैं सब झूठ है, उसमें रत्ती भर भी सच नहीं है बापू। सच वह है जो बिरादरी कहती है, समाज कहता है, हमारा धर्म नहीं बापू, सच वो है जो हमारा मन कहता है। गोविंदे, ढोल ढंगरों पे क्यों गुस्सा उतारी है? मारना है तो मुहे मार,
तुझे मारू चांदी? हाँ दोस्त मेरा ही है, उस दिन तू मेरे साथ मंदिर गया था ना, उसी की सजा मिली है तुझे। सारी सारी बिरादरी रोटी पे से उठ गई। सुन गोविंदे, मेरी खातिर तू क्यों गांव भर से दुश्मनी मोल ले है? मेरी सी अभागन की तो परछाई भी किसी शरीफ आदमी में पड़ जावे ना, तो वो भी अछूत हो जाएगा। ये सब जात पात के ठकोस लिए, मैं इन्हें नहीं मानता, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मेरे तो कितने ही दोष है रे, अछूत हूँ, चमारन हूँ, नीच जात हूँ, अनाथ हूँ, बाल विधवा हूँ, अकेली रहूंगा। पर तू अकेली क्यों रहे? तुम्हारी बिरादरी में तो बाल का दूसरा ब्याह हो सकता है। चांदनी, चांदनी सब तेरे बारे में बुरी बुरी बातें कहते, घर में मर्द होगा ना तो फर्क नहीं पड़ेगी। ना गोविंदे, मुझे तो सब मर्द जात से नफरत हो गई है, सब मुझे ऐसे दिखे हैं जैसे खूनी भेड़िए। सब? हाँ सब, एक को छोड़ के। तो फिर उसी से ब्याह क्यों नहीं कर लेती? ये क्या कर रहा है बेटा? अपनी चीजें ठीक कर रहा हूँ। नौकरी करने शहर नहीं जाएगा क्या? नहीं बाबा, अब तो फैसला कर लिया यहीं रहूंगा, तुम्हारी गाय भैंसे चराया करूंगा, और कुछ नहीं तो गांव के स्कूल में मास्टर बन जाऊंगा। सच? तेरी माँ कितनी खुश होगी है सुनकर। जानता है वो कहाँ गई है? कहाँ गई? चौधरी मलकान सिंह के यहाँ, उनकी बेटी लाजो से तेरी बात पक्की करने। बात मेरी करने गई और मुझसे पूछा तक नहीं? अरे भला लड़के लड़कियों से पूछ कर भी कोई उनका ब्याह करे है? और फिर लड़की का बाप कोई मामूली आदमी नहीं है, कम से कम 60-70 भैंसे हैं उनके पास। उसकी बेटी लाजो भी तो किसी भैंस से कम नहीं है बाबा। बेटा शरीफ लड़के ऐसा मजाक नहीं करते, और फिर अब तो तू यूं समझ के बात पक्की हो गई है, सारी अही बिरादरी में एक ऐसी अच्छी छोकरी नहीं है। मैं अहीरों में ब्याह नहीं करूंगा। तो क्या किसी चमारन के साथ ब्याह करेगा? जी मैं किसी चमारन से ही ब्याह करूंगा, चावली से। उस नीच अछूत छोकरी से? पागल हो गया है? शहर में 2-4 किताबें क्या पढ़ाया कि जात बिरादरी समाज धर्म सब वहीं छोड़ाया? मैं एक नया धर्म लेकर आया हूं बाबा, जिसमें ना कोई नीच है ना कोई अछूत, और अब आपका बेटा इसी धर्म पर चलकर दिखाएगा। चल मेरे साथ मंदिर में। ना मैं ना जाऊं तेरे साथ मंदिर में, फिर कोई खून खराबा हो जावे तो? नहीं जाएगी तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। ये तूने क्या किया? मुझे छू लिया एक अछूत को। तो फिर क्या हुआ? आज तूने मेरा हाथ पकड़ा है गोविंदे, जाने ये कितनी बड़ी बात है। जानता, आज हाथ पकड़ा है तो जिंदगी भर निभाऊंगा भी, इसीलिए तो तुम्हें मंदिर ले जा रहा हूँ, क्या करने के लिए? पागल हुआ है क्या? मैं एक चमारन हूँ अछूत, और जो जन्म से अछूत है वो कभी अहीर न बन सके है। मगर अहीर तो अछूत बन सकता है, अभी अगर तू अछूत है तो आज से मैं भी अछूत हूँ। चल मेरे साथ। क्यों आज फिर तुम दोनों को साथ लेने आए हो? जी आज हम दोनों जीवन दान मांगने आए। जीवन दान? जी मैं चावली से शादी करना चाहता हूँ। मगर ये तो अच्छा मेरा मतलब है, ये तो चमारन है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बिरादरी इसे स्वीकार करेगी? अगर एक अछूत की लड़की भगवान के मंदिर में आ सकती तो एक अहीर लड़के से ब्याह भी कर सकती, नहीं तो आज से मैं भी अछूत हूँ। बस अब आज ही चुप चुपाते हम दो अछूतों को ब्याह दीजिए। भयंकर नए विचार। पर चावली तू क्या कहती है? मैं क्या बोलूं पुजारी जी, मुझे शर्म लाते है। पर गोविंदा जब तुम इतना बड़ा कदम उठाते हो तो फिर चुप चुपाते क्यों? अगर तुम्हें चावली से ब्याह करना है तो बारात लेकर सारे गांव का चक्कर लगाओ और चमारों की बस्ती में ढोल बजाते दिए जाओ। देखो गोविंदा, विवाह एक यज्ञ होता है, मैं इस यज्ञ की अग्नि जलाऊंगा जरूर, पर सारे समाज के सामने। गोविंदे क्या होगा अब? होगा क्या? जब तू ढोल बजने की आवाज सुने तो समझ जाइए तेरा गोविंदा तुझे ब्याहने के लिए बारात लेकर आ रहा है। राम भैया
रामू भैया, अरे सुन सुन सुन, मेरी बात मान और इस पागलपन को छोड़। मैं कल सुल्तानाबाद अपनी गायें बेचने जा रहा हूँ, मेरे साथ चल, वहाँ मुजरा सुनेंगे। सुना है बड़ी सुंदर छोकरी नई नई बाजार में आई है, नाम है प्यारी, चलेगा ना? राम भैया कल तक मेरा ब्याह हो जाएगा, अब शरीफ आदमी कोठों पर नहीं जाते। देख तू और मैं बचपन के दोस्त, याद है चंदू के अखाड़े में दोनों एक साथ जाया करते थे और कुश्ती में दोनों अव्वल आते थे। सर तो आज भी जिसे तू कहे जिद कर, पर समाज से कुश्ती लड़ने की हिम्मत मुझ में ना। सुन गोविंदा, तू भी मेरी बात मान और उस चमारन से ब्याह करने का ख्याल छोड़ दे, वरना खून खराबा हो जाएगा। उसका ख्याल मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे क्या सारी दुनिया से कुश्ती लड़नी पड़े। अरे क्यों गोविंदा, दोपहर के वक्त का मारा मारा फिरे? सच्चा दोस्त ढूंढ रहा हूँ पहलवान। मिला कोई? सारे गांव में एक सच्चा दोस्त नहीं, ये बात मैं सारी दुनिया को ढोल बजा बजा कर बताना चाहता हूँ। तो यही ले जाओ, चंदू पहलवान की ढोलक किसी से नहीं डरे। अरे बता तो सही, हुआ का? आज रात चौली से मेरा ब्याह है और मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसे ब्याह में चोरी छुपे नहीं ढोल बजाते हुए आऊंगा। हाँ हाँ बोलो, तुम भी बोलो। जात बिरादरी का हुक्म है, आहिर का लड़का चमार की लड़की जा नहीं कर सकता, है ना? जाने हमारी जात कौन सी है पहलवान? तुम्हारी जात तो अबे किसी को नहीं मालूम, गांव वालों को एक बच्चा सड़क पर मिला था, ना जाने ब्राह्मण का, चमार का या हीर का। अब वो बच्चा चंदू पहलवान तो हाथ सामने बैठा हुआ है, सबके लोंडों को कुश्ती सिखलावे और सबको चित करे, ब्राह्मणों को भी और हीरों को भी। तो तू बरात लेकर जावेगा तो उसमें ये जरूर ढोल बजेगी। तुम्हें एक सच्चे दोस्त पहलवान, बुलाओ ये ढोल। पगला होगी का दूल्हा अपनी बरात में खुद ढोलक बजावे? ढोलक तो हम बजावे, हम। जब तू छोटी सी थी मुझे काका कहा करे थे, अब मैं चौधरी जी हो गया। यहाँ तो तुम्हें बिठाने को भी कुछ ना है, गरीब की झोपड़िया है चौधरी जी। कोई बात नहीं, मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। देने आए हो? हाँ। क्या देने आए हो? जो तू कहे, मेरे पास 10 बीघे जमीन है, 14 गाय भैंसे हैं, 1,000-2,000 नकदी है, जो तू चाहे ले ले। चौधरी जी। हाँ हाँ बोल तो सही, क्या चाहिए तुझे? मुझे थारा आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? हाँ चौधरी जी, मैं वचन देती हूँ कि थारी और माजी की उम्र भर सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी कि आज तक इस गांव की किसी बहू ने ना की होगी। चौधरी जी बोलो, दोगे आशीर्वाद का ये दान? तू अपनी हर धर्मी नहीं छोड़ेगी तो सुन, अहीर और चमार दोनों बिरादरियों के सर पर खून सवार है। तू गोविंदा की जान की दुश्मन है तो कर जो तेरा जी चाहे, पर इतना बता दूं कि आज अगर वो तुझे ब्याहने यहाँ आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। Thank you.
इन गाँव का पानी बंद। हाँ हाँ, और चौधरी दे दो पंचों का फैसला, दिन चढ़ते ही गोविंदा गांव के बाहर हो जाना चाहिए, वरना जात से निकाल बाहर करो बाप बेटे को। नहीं नहीं, ऐसा ना होगा, मेरा गोविंदा जितनी बेशक है लेकिन अधर्मी नहीं, जरूर उस कुलटा ने उस पर कोई जादू कर दिया। तो तुम फिक्र मत करो काका, अपने पास जादू का तोड़ भी है। तोड़? हाँ, ये देखो। थारी में शर्मीत है, वो हीर का बच्चा ढोल बजाता आ गया थारी चावली को बहने, और तुम यहाँ हाथ से हाथ धरे बैठे हो, शर्म नहीं आती का? इस वक्त अपनों का दोस्त मत ढूंढो काका, ये तो सारी बिरादरी की इज्जत का सवाल है, इसमें तो फांसी भी लग जाए तो परवाह नहीं। अगर गोविंदा ने यहाँ के चावली को हाथ भी लगाया तो मैं उसका हाथ ही तोड़ दूंगा। फिर वो इस बस्ती से जिंदा वापस नहीं जाएगा चौधरी? हाँ। छोकरी की छोकरी को आग लगाई, आग ही जमानों में लगाई होगी अपनी छोकरी का पाप छुपाने के लिए। जब हम लोग आए झोपड़ी में पहले ही आग लगी हुई थी। अरे वाह, मसाले लेकर तुम लोग आए और आग हम लगाई? अरे तुम्हारू नहीं लगाई, तीन ही लगाई, तो फिर कौन लगाई आग? पहलवान मैं बताता हूँ, ये पाप और अधर्म की आग है जिसमें वो पापन जल मरी है, और इसी आग में एक दिन गोविंदा भी। बेटे कौन है तू? तुम मुझे पहचाने ना है? मैं तेरा बाप हूँ। आज से मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई घर नहीं, गांव नहीं, जात बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, चीज इस आग में चल गई। आज से मैं अकेला अकेला। इस रास्ते से आते वक्त आपने किसी लड़की को देखा है? लड़की? ओछे बिरादर, हम हजारहा लड़की देखा,
लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कोई लड़की हमको नहीं देखता। तुम कौन सी लड़की का तलाश करते हैं? वो जिसकी ये पायल है, माशाल्लाह, रंगत काली है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। आया हुजूर सरकार, खुदावंद माफ करना बिरादर, हम तुम्हारा कोई छोके नहीं देखा। खुदा क्यों दिलावर खान, वो पगला नौजवान तुमसे क्या मांग रहा था? पहुंचे सरकार, कोई छोकरी का बात करता था। हम समझता है उसका महबूबा गुम हो गया। महबूबा यानी कि छोकरी यानी कि लड़की? वे दिलावर खान खूब याद दिला। तो नवाब साहब, बादा रिजत में एक नई गाने वाली आई है, नाम है उसका प्यारी। अगर आप उसे एक बार देख भी ले तो इस नई हुकूमत के दिए हुए सारे दुख भूल जाएंगे। इज्जत, आजकल जो हमारे दिमाग की कैफियत है उससे तुम अच्छी तरह से वाकिफ। रियासत हमारे हाथ से जा रही है, अब बिन मसले कुचले हुए बाजारी फूलों से हम अपनी तबीयत नहीं डाला सकते। सुकून कल्ब के लिए कोई अछूता गुंचा चाहिए। वो नवाब साहब, ये तो बिल्कुल अछूता गुंचा है, बस यूं समझिए कि गुलाब की कली है जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ। ये हम नहीं मानते। जान मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए। कोई माने ना माने मगर जाने मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए। हमको सिक्कों की परछाइयाँ चाहिए, हमको सिक्कों की परछाइयाँ चाहिए। तुमको रातें बिताने का फन चाहिए, हमको दिन काटने का जतन चाहिए। तुमको रातें बिताने का फन चाहिए, हमको दिन काटने का जतन चाहिए। तुमको तन चाहिए, हमको जान चाहिए। कुछ न कुछ सबको ऐ मेहरबान चाहिए, कुछ न कुछ सबको ऐ मेहरबान चाहिए। कोई माने न माने मगर जान मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए। दिल वाले हैं कई तो कई जान वाले हैं, कहते हैं मरता हूँ जान देता हूँ। ये जी पहचानते हैं सबको जो पहचान वाले हैं, ये धर्म वाले और वो ईमान वाले हैं। कोई माने न माने मगर जाने मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए। ए ड्राइवर, मुझको कहाँ ले जा रहे हो? ये तो महल का रास्ता नहीं है भाई। पहुंचे अभी से तुमको महल का सब रास्ता भी मालूम हो गया। दरबार शहर से बाहर खास बाग वाला महल में है। अरे भाई जरा संभाल के गाड़ी चलाओ। भाई खबरदार, जो हमको भाई बोला, दिलावर खान तुम जैसा औरत का बिरादर कभी नहीं हो सकता। बड़े बदतमीज हो जी। बदतमीज बोला हमको? हम अभी बताता है तुमको। अरे
और जब पहले तुम हमसे माफी मांगी। मैं माफी मांगती हूँ खुदा के लिए, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो खाता, पर गाड़ी तो हल्की करो। क्या करे, तो हमारा सरकार का 2-4 लाख रुपए का बचत हो जाता। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमारा सरकार अपना रुपया लौटाने के वास्ते कुछ तुम जैसा कोई ना कोई नागन ढूंढ निकालती। जहरीली नागन से तुम्हारा क्या मतलब? जहरीली नागन से हमारा मतलब है थवायर। तो भाई पूछे तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? इसलिए कि दिलावर खान अपने मालिक का खैरखा है, हम उम्र भर उनके नमक खाया। आपको बड़ा अफसोस होता है जब हमारा सरकार अपना रुपया बाजारी औरतों का खराब करते हैं। और इसमें कसूर किसका है, उनका जिन्हें तुम बाजारी औरतें कहते हो या तुम्हारे नवाब साहब का? पतली और घबराओ नहीं, बीजा जद्दे के कहने पे चलोगी तो इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी। नवाब साहब सुल्तानपुर के रहने के लिए चीज कही नहीं, पतली और तुम यही। मैं नवाब साहब को खबर किए देता हूँ। अधिक अधिक आंखों में फमान आ जाए तो कहिएगा, वर्षों के दिन टूट के आधी बरस पड़ेगी। मुलाहरा फरमाया हो तू ना। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, मुलाहरा फरमाइए हुजूर, मुलाहरा फरमाइए। हाँ हाँ हाँ, अर्ज किया था की परी है। ये तो सरकार की जरा नवाजी है, वरना लोंडी के काबिल है। तुम्हारा नाम? हुजूर, लोंडी का नाम तो गौहर सुल्ताना है, मगर सब प्यारी प्यारी कहते हैं। इसमें बामुसम्मा हो, सुना है गाती भी बहुत खूब हो, कुछ सुनाओ। सरकार का हुक्म सर आंखों पर। जानती हो आज कई महीनों से हमारी नींद हो गई है, 10-10 पेग पीने पर भी आंख नहीं लगती, इसलिए कोई मीठा सा धीमा सा राग छेड़ो, देखें कितना नशा है तुम्हारी आवाज में। क्यों गए? गाती रहो जब तक हम तुम्हें हुक्म न दें। जब मैं कहती हूँ कि किस रोज हुजूर आएंगे, दिल ये कहता है कि एक दिन तो जरूर आएंगे। इंतजार और अभी और अभी और
शाबाश, तुम बहुत अच्छा गाती हो प्यारी। ज्यादा नवाजी है सरकार की, वरना लोगी किस काबिल है। जानती हो हमें आज कितने दिनों के बाद नींद आई है। तुम्हारी आवाज में तो शराब से भी ज्यादा नशा है प्यारी। मांगो क्या मांगती हो जी? मैं हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मकान बनवा दे, मोटर इनाम में दे दे, और उसके साथ उस बेवकूफ दिलावर को भी तुम्हारी खिदमत के लिए मुकर्रर। सोच क्या रही बोलो जी। सरकार को मेरे गाने से सुकून मिला, नींद आ गई। लौंडी के लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। तुमने ये बात हम पर छोड़कर हमें और उलझन में डाल दिया है, मगर खैर हम इस पर गौर करेंगे। तुम रोज रात को हमें गाना सुनाने आया करो। इज्जत देख आओ। दिलावर से कहो तो प्यारी को घर छोड़ा। क्यों नवाब साहब से कितना रुपया लिया? नवाब साहब से कितना रुपया लिया तुम? 25,000। क्या 25,000? हाँ मगर सोचती हूँ गलती हो गई। नवाब साहब से गाड़ी भी इनाम में दे रहे थे और साथ में इसका ड्राइवर भी। ये मोटर तो ब्लैक मार्केट में 40,000 का मिल सकता है, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं बिक सकता। और कोई तवायफ ज्यादा उसको किसी कीमत से नहीं खरीद सकते। संजय आ गई बेटी, कुर्बान जाऊं, आज किस्मत ने ये दिन दिखाया है। मैं तो थक गई मां, रात भर खड़ी खड़ी गाने पे गाने सुनाती रही और वो तुम्हारे नवाब साहब सोते रहे। सोते रहे? हाँ हाँ माँ, रात भर पड़े सोते रहे। तो फिर कुछ इनाम मिला बेटी? नवाब साहब ने तो कहा था कि मांगो क्या मांगती हो, पर मैंने कहा कि हुजूर की खिदमत करना मेरा फर्ज है। सरकार को मेरे गाने से सुकून मिला, नींद आ गई, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मां, मैंने बुरा किया इनाम नहीं मांगा? नहीं बिटिया, तू तो बड़ी समझदार है। नवाब साहब ने फिर बुलवाया है ना? हाँ माँ, रोज गाड़ी आया करेगी। बस तो फिर समझ ले, एक दिन तू शाही महल में बेगम बनकर रहेगी। न जाने क्या समझता है अपने आप को। कहीं बेटी जबान संभाल के बोल, नवाब साहब की शान में ये गुस्ताखी? अरे मैं नवाब साहब की बात नहीं कर रही हूँ माँ, मैं तो किसी और ही को कोस रही हूँ। गमार कहूँगा। हाँ
मैं जानता था कि तुम यही गलती करोगे। अरे भाई इस तरफ भी तो देखो, ये गया तुम्हारा घोड़ा और ये हो गई मात। वल्ला हजूर आप तो खूब खेलते हैं। सच कहा है किसी ने, शतरंज तो बादशाह का खेल है। अरे भाई बादशाह तो क्या नवाबी भी जा रही है। इन दिनों तो हम लोग बस इस शतरंज के मैदान ही में हाथी घोड़े वजीर और प्यादों को लड़ाकर अपना दिल बहला लेते हैं। अच्छा हजूर अब इजाजत चाहूंगा। तुम अभी तक प्यारी को लेने नहीं गए दिलावर? सोचे सरकार जान का अमान खाएगा तो कुछ आवाज। कहो क्या बात? सरकार हम आपके खादिम हैं, आपके मुलाजिम हैं। आप हमारा गर्दन काटेंगे हम उफ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तबाही उस्ताद है प्यारी, उसको लाने हम हरगिज नहीं जाएंगे। दिलावर खान तुम अपनी औकात से आगे बढ़े जा रहे हो। हुजूर हमारा गुस्ताखी माफ, हम हुजूर का बहुत नमक खाया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इधर खूबसूरत खूबसूरत नागिन आते हैं और हुजूर का खतम। सरकार ये छोकरी अच्छा नहीं, कल ये इधर आया आपको दो चार नगमा सुनाया, 25,000 रुपया आपसे लेके। ओ तो ये बात है। अरे मगर तुमसे किसने कह दिया कि वो हमसे 25,000 रुपया लेगी? वो शैतान के बच्चे हमसे खुद बोले। हम सब समझता प्यारे, लेकिन तुमको मालूम नवाब साहब क्या बोली? नवाब साहब क्या बोलते हैं? नवाब साहब बोले, दिलावर खान तुम उल्लू है, ये प्यारी तुमको उल्लू बनाता है। अरे तुम फिक्र मत करो, दिलावर खान गाड़ी ठीक चलाएगा। कुछ तुम्हें चाहिए।
तुम्हारे जवाब ने हमें लाजवाब कर दिया प्यारी। क्यों प्यारी भाई तुम थक गया? सो जा। हम गाड़ी आहिस्ता चलाएंगे। तुम सो गया प्यारे? अगर तुम सो गया प्यारे फिर हम तुमको बोल सकते। प्यारी तुम सचमुच प्यारी है। हम अपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा तवाई अफजादी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तुम नवाब साहब से इनाम नहीं लेती है, रोबिया नहीं लेती, मुझी का हार नहीं लेती, मोतेर नहीं लेती, मोतेर का ड्राइवर नहीं लेती। लेकिन एक बात याद रखो प्यारी, ये मोतेर ड्राइवर हमेशा तुम्हारा है, तुमको दिलो जान से प्यार कर। तुमने कुछ कहा दिलावर खान? कुछ नहीं। हम बोलती थी रात तुम्हारा नगमा सुना, तुम्हारा रक्स देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल सच। कुछ अमीर चाहिए, कुछ उम्मीद चाहिए, कुछ अमीर चाहिए, कुछ उम्मीद चाहिए। आज तो आजकल नवाब साहब के यहाँ महल में नाचने जाती है। प्यारी तुम आ गई। भला हुजूर हुकुम जावा बंदी हाजिर न हो, ये कैसे मुमकिन है? अब हम किसी को हुक्म देने के काबिल नहीं रहे प्यारी, अब दूसरे हम पर हुक्म चलाएंगे। ये आज कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? आप फरमा रवाए सल्तनत है, सुल्तानाबाद में आपके सिवा और किसका हुक्म चल सकता है? प्यारी तू बड़ी भोली है, तुझे ये भी नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। जमीन आसमान पर जा रही है और आसमान जमीन पर आ रहा है।
آج سلطان آباد کی ریاست ختم ہوئی. آج ہمیں مجرموں کی طرح ایک معمولی منسٹر کے سامنے پیش ہونا پڑا جو کل تک ہماری ادنا رعیت تھا. اس کے بعد ہم کیا منہ لے کر سلطان آباد میں رہیں؟ حضور بھلا کس کی مجال ہے؟ سلطان ابن سلطان نواب فرازی متولا کو سلطان آباد سے علیحدہ کر دیا. آج فرزند دل بند انگلیشیا ماہتاب الملک سلطان ابن سہان نواب سر عظیم الدولہ مرگ. اب ایک معمولی آدمی تم سے سوال کر رہا ہے. میں بمبئی جا رہا ہوں پیاری، تم میرے ساتھ چلو گی عمر بھر کے لیے؟ حضور کی خدمت کرنا میری خوش قسمتی ہے، سرکار کے حکم کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ یہ حکم نہیں ہے پیاری، درخواست ہے. فوراً جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی ماں سے پوچھ لو. میں تم دونوں کے خرچے کے لیے عمر بھر 1000 روپے مہوار دے سکتا ہوں. اب تم جا سکتی ہو. گانا نہیں ہوگا سرکار، آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ آج ہم تمہارا گانا سن کر بھی نہیں سو سکتے. آج کی رات ہم سونا چاہتے بھی نہیں. آج کی رات سلطان آباد میں ہماری آخری رات. کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو شہر کا راستہ نہیں ہے. ابھی امیتر تم کو ایک محل دکھائے گا پیاری. علاقے میں نواب صاحب کا کوئی اور بھی محل ہے؟ ہاں نواب صاحب کا نہیں، ابھی جو تم محل دیکھیں گا وہ دلاور خان کا محل ہے. آؤ آؤ اندر آؤ. ارے تم گھبراتے ہیں، دلاور خان مرد شریف ہے. اندر آؤ. وہ نواب صاحب کا محل تھا، یہ دلاور خان کا محل ہے. اچھا تم ادھر بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں. نواب صاحب کا ڈرائیور، یہ ہے مرد آزاد دلاور خان. اب نواب صاحب کا ڈرائیوری کھاتا. مجھے نوکری سے جواب مل گیا، اس کی وجہ؟ وجہ تم ہو پیاری. نواب صاحب کا جاسوس ہمارا صاف خبر رکھتا ہے. پہنچے دلاور خان بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ بھی نواب صاحب کا صاف خبر رکھتا ہے. وہ آج بولی کہ پیاری تم ہمارا ساتھ بمبئی چلو، ہم تم کو 1000 روپیہ مہینہ عمر بھر کے واسطے دے گا. کیا پیاری بمبئی جائے گا؟ مجھے پیاری بمبئی جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن نواب صاحب کے ساتھ نہیں. نواب صاحب کے ساتھ نہیں؟ تم اتنا بڑا پیشکش واپس کر دے گا؟ مگر وجہ؟ ایک وجہ ہے. اب کیا ارادہ ہے؟ تم فکر مت کرو پیاری، ہم دوسرا نوکری ڈھونڈا ہے. ہم لاری چلائے گا، ہم کارخانے میں اینٹ پتھر لا کے ڈالے گا. تم کو معلوم ہم کو کتنا پگار ملے گا؟ 100 روپیہ پیاری. کیا 100 روپیہ میں دو آدمی کا گزر ہو سکتا؟ اگر دوسرا تو رہ کر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تم ہم کو ہاتھ مت لگاؤ. تم بھی میرے ہاتھ لگانے سے ناپاک ہو جاؤ گے، کیونکہ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں نا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے پیاری، تم کس خاندان میں پیدا ہوا اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تو اس لیے کہ میں گاچی ناچتی نواب صاحب کے دربار میں مجرا کرتی؟ نہیں نہیں پیاری یہ بات نہیں ہے. تم نغمہ گاتے رقص کرتے، لیکن ہم جانتی ہیں تم معصوم ہے.
तो फिर मेरे हाथ लगाने से इस तरह क्यों भड़कते हो, जैसे मैं कोई जहरीली नागन हूँ? इसलिए कि दिलावर एक मर्द शरीफ है, एक गयूर पठान है। शादी से पहले वो लड़की को हाथ लगाना गुनाह समझती, जिससे उसका निकाह हो गया। तुम मुझसे निकाह करोगे काजी और गवाह? अगर तुमको एक गरीब आदमी का बीवी बनना मंजूर है तो हम तुम्हारा साथ बिल जरूर निकाह करेगा। एक बार फिर कहो। एक बार नहीं, हम 7 बार कहेगा। काजी के सामने, गवाहों के सामने, खुदा रसूल के सामने हम तुमको अपना बीवी बनाएगा। अरे तुम्हारे आंख में आंसू, ये तो खुशी की आंसू है। मक्का मक्का चमिया भाई, ब्याज मिला के पूरे 9,000 हो गए। इब एक दिन इंतजार नहीं करो। जी, जहाँ इतनी मेहरबानी की है थोड़े दिन और ठहर जाइए। 3 दिन के अंदर अंदर मारो पीसा दिला दो, नहीं तो कोर्ट के चारी जाना पड़ेगा। हाँ क्या सेठ जी? नमस्ते माँ, तुमने इस महाजन से कर्जा लिया हुआ है? हाँ तो और क्या, इतने वर्षों तेरी परवरिश इसी से कर्जा ले लेकर ही तो की है। अरे बेटी, अब तो नवाब साहब भी हम पर मेहरबानी करें तो हमारे दिल दर्द दूर हो। मगर नवाब साहब तो सुल्तानाबाद छोड़कर बंबई जा रहे हैं और हमें भी साथ ले जाने को कहा है। फिर क्या है, साहूकार का कर्जा भी वही चुका देंगे। पर वो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनके मुंह से हर वक्त शराब की बू आती है। अरे तो गुजर कैसे होगी, कर्जा कैसे उतरेगा? मैं बताऊं, मेरे सारे जेवर बेच डालो। पागल हो गई है, जिस तवायफ के पास इतने जेवर भी ना हो तो उसकी बाजार में क्या खाक कदर होगी। मैं इस बाजार में नहीं रहूंगी, मैं शादी करूंगी। मगर तवायफ शादी के साथ शादी करेगा कौन? है कैसे या पैसा है उसके पास? 100 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है, शरीफ और इज्जतदार आदमी है। अरे तू उसकी शराफत को क्या चाहतेगी, 100 रुपए महीने में गुजारा कैसे होगा? जैसे दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान करते हैं। माँ ये जेवर मुझे नहीं चाहिए, ये घर झाड़ फानूस पर्दे कालीन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम इनको बेच कर कर्जा चुका दो। हम इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहते हैं। माँ तुमने उम्र भर मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई थी, अब मैं और वो हम दोनों तुम्हारी खिदमत करेंगे। लेकिन एक तवायफ हमारा घर में नहीं रह सकते। चाहते हो कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ? इसमें ताज्जुब का कौन सा बात है, शादी के बाद हर बेटी अपनी माँ को छोड़ देती। तुम ठीक कहते हो दिलावर, हर बेटी अपनी माँ को छोड़ देती है, मगर तवायफ की बेटी अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। इसलिए कि हर माँ के पास घर होता है, घर वाला होता है, खानदान बरादरी पड़ोस सुंदर सभी कुछ होता है, मगर तवायफ की रिश्तेदारी सिर्फ उसकी बेटी पर खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ, पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। हम तुमको बोला कि दिलावर खान एक तवायफ को घर में नहीं रख सकते। कितनी बार कह चुके कि वो तवायफ नहीं है, मेरी माँ वो नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर हम जाते अगर तुम चाहो तो हम तुमको नवाब साहब के पास छोड़ देगा।
मैं सुल्तानाबाद नहीं जाऊंगी। तो फिर किधर जाएगा? नहीं, इसी जगह। इधर जंगल सुनसान में तुम क्या करेगा? तुम इससे क्या, मैं टोकरियां ढूंढूंगी, सड़क कूटूंगी, पान बेचूंगी, मगर कहीं मेरी माँ मेरे पास रहेगी। जब तक कि एक दिन तुम आकर ये न कहोगे कि प्यारी मैं गलती करता, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को इज्जत से याद करते हुए तैयार। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, समझे? वॉचमैन साहब, आपका टायर फटिंग बिंग बॉम हो गया साहब। देखो यहाँ कोई गैरेज वैरेज तो नहीं? गैरेज तो नहीं है साहब, लेकिन अपन जो है साहब थर्ड क्लास मैकेनिक, लेकिन काम कर देगा साहब। आप लोग आराम कीजिए, राम भरोसे होटल में फर्स्ट क्लास चाय मिलती है मैम साहब, दो आना में फर्स्ट क्लास चाय। आप लोग आराम कीजिए। चलो डन, चलो चलो। हेलो, ये लो जैक। जैक नहीं, जॉन। माय नेम इज जॉन ब्रिगेंस ऑफ बाइक क्लब फेम, लेकिन तुम अपनको जॉनी भी बोल सकते हो। ऐसे से जॉनी बहुत देखे हैं। नो मैम साहब, गलती कर रहा हूं मैं, अपना ब्रांड का एक ही जॉनी है, मिस मिस डिसोजा, स्टेला डिसोजा। उनसे मेरे को बहुत खुशी हुई, मिस जूलियट, आई एम मिस स्टेला डिसोजा। चलो चलो अपना काम करो। सब ठीक हो गया साहब, थर्ड मैकेनिक ने फर्स्ट क्लास काम किया साहब। वेरी गुड वेरी गुड। आया इससे एक रुपया दे दो। व्हाट मैन, एक रुपया और वो भी चांदी का? गॉड ब्लेस यू नो मैम साहब, ऐसे ऐसे 3 लाख रुपए हो ना तो एक चांदी सड़क बन सकती है इधर से लेकर होटल पर्वत। नो मिस, 1 रुपए से अपन पर्वत होटल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों, तुम्हें भी पर्वत होटल जाना है? घर से बस निकला था। तो फिर चलो हमारे साथ, लेकिन टिकट कहाँ होगा? इफ यू डोंट माइंड। नो मैन, आई माइंड नेवर सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेल यू सी सर, वो लोग जो अभी मुर्गाड़ी में आए ना, मैं उनके साथ आया हूँ। मिस्टर रुस्तम जी, वेरी गुड वेरी गुड। बरसों से हॉलीडेज में होटल पर बताते हैं। बैठिए बैठिए, आपको रूम सिंगल चाहिए या डबल? होटल पर्वत में सब कुछ मिलता है। आई एम सॉरी साहब, थोड़ा मिस्टेक हुआ, हमको कमरा नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। पहले क्या क्यों नहीं बताया, हमको बोलने का चांस ही दिया तुम साहब? ये होटल है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? सॉरी सर, गुड बाय। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? जॉनी ब्रिगेंजा सर। इधर आ इधर आ। जॉनी ब्रिगेंजा? यस सर। नौकरी मिल सकती है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल रेडी है सर, काम बोलो। रूम बॉय, डाइनिंग रूम, किचन में प्लेट धोना, घंटी का ख्याल रखना, और सब लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़े सप्लाई करना। Thank you.
Give us the stay, our daily bread. Hey, Asmani Bap, they have a Parbat Hotel ka servant food. Mota aur chane ki dal. Mem sahab, apni duty khalas. Good night. क्या खा रहे हो? मत पूछो, फर्स्ट क्लास डिनर है, 5 कोर्स का खाना। पहला कोर्स चिकन सूप, दूसरा कोर्स फ्राइड पॉम्फ्रेट फिश विद टार्टर सॉस, तीसरा कोर्स तंदूरी मुर्गा, चौथा कोर्स मद्रास करियम राइसम। पांचवा कोर्स तुम्हारा भेजा फ्राई। तुम जंगल के कमरे में झांकते छो। Hello, Mr. Souza. How are you? बहुत अच्छा हुआ। ये सजा मिलनी चाहिए थी। का इंतजार हो रहा है, आज उसे बहुत काम करना है, बहुत सी प्लेटें धोनी। Keep it up.
जॉनी, आज आपने अपना डे कैसे स्पेंड किया? Oh, it was wonderful, Lady D'Souza. 20 आदमियों को लंच खिलाया, 11 कमरों में चाय पहुंचाई, 5 बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टियां रखवाई, फिर 20 आदमियों को डिनर खिलाया और अब 355 प्लेटें धोकर आ रहा हूँ. But what about you, Lady D'Souza? आपका डार्लिंग बेबी कैसा है? हमारा बेबी एकदम लवली है, लवली. उसको चीज निकलता है जी, समझता डांस. सो हमारा बेबी न तो इठता है न तो ड्रिंकता है, बस सारा दिन बीतता बीतता है. बॉयफ्रेंड का लेटर है. लुक स्टेला, आई वेरी जेलस मैन है. क्या हुआ स्टेला? मम्मी दिखती है, पापा बहुत बीमार है. डॉक्टर बोलता है टीबी हो गया है. टीबी? ओह आई वेरी सॉरी स्टेला, लेकिन घबराओ नहीं है, तुम सेनेटोरियम भेजो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा. हाँ सेनेटोरियम भेजना है. मम्मी लिखती है 500 रुपए की जरूरत है. इतना रुपए किधर से आएगा? तुम फिक्र मत करो स्टेला, लीव इट टू जॉनी, मैं सब देख लूंगा. तुम जॉनी? यस स्टेला, जॉनी सारी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की देखभाल करेगा. हाँ स्टेला, सो हेल्प मी गॉड. स्टेला, तुम्हारे डैडी ठीक हो जाएंगे तो मुझसे मिलाओगी ना? जरूर मिलाऊंगी. मुझे उनसे बात करनी होगी ना? कैसी बात? बात तो बहुत सीरियस है स्टेला, मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? अगर मैं राइटर होता तो मैं बड़े बड़े वर्ड्स, अगर मैं पोएट होता तो खूबसूरत पोएट्री लिख डालता, अगर मैं रोमियो होता तो कहता जूलियट जूलियट तेरे बिना मेरा दिल एम्प्टी है. लेकिन मैं तो प्लेन एंड सिंपल जॉनी हूं स्टेला, और तुम जानते हो कि दुनिया के ये प्लेन एंड सिंपल जॉनी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एक छोटा सा जॉब, एक छोटा सा घर, एक छोटी सी वाइफ, 3 महीने, 2 छोटे छोटे बच्चे. क्यों, मेरा ड्रीम कैसे लगा? बहुत अच्छा, मगर एक मेरा भी सपना है. अच्छा, कैसा है तुम्हारा सपना? एक बहुत बड़ा चर्च है, जैसे माउंट मेरी का चर्च है, और तुम पहने हो काला सूट और ये लंबा है, और मैं पहने हूं सफेद वेडिंग गाउन. क्यों सो गए? हाँ स्टेला, मैं तुम्हारा सपना देख रहा हूं. आप लोगों ने खाना खाया? यस सर, सबने खाया.
प्लेटें धुल गई? यस सर, सब धुल गई। सर्वेंट्स को खाना दे दिया? यस सर, सब दे दिया। तो आप तुम छुट्टी कर सकते हैं। साहब आपसे एक बात करने का था साहब। यस, बोलो क्या बात है? हमको 500 रुपए का जरूरत है साहब। अगर एडवांस देखो जॉनी, याद रखो होटल पर्वत में सब कुछ मिलता है पर पैरों को एडवांस कभी नहीं मिलता। मगर तुम्हें इतने बहुत रुपयों की जरूरत कैसे पड़ गई? साहब स्टेला ना अपने रुस्तम साहब का आया, उसके डैडी को टीबी हो गया, उसको सेनेटरी में भेजने का है। हाँ स्टेला? पर उसके बाप को टीबी हुआ तो तुमको क्यों तकलीफ हुई? साहब ये लव मैटर का बात है। रोमियो एंड जूलियट? क्यों? यस सर। जूलियट का बाप बीमार है। यस सर। 500 रुपए की सख्त जरूरत। यस सर। इस रकम को हासिल करने के लिए रोमियो जान की बाजी लगा देता है। क्यों, ठीक है ना? हम समझा नहीं साहब। सब समझ जाओगे जॉनी। 500 रुपयों का बंदोबस्त हो सकता है लेकिन इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा? मामूली काम। कौन सा काम करना पड़ेगा साहब? जॉनी तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि होटल पर्वत में सब कुछ मिलता है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। ये भी मिल सकती है, समझे? और ये 6 कितने को? 40। एक सीक्वेंस, दो सीक्वेंस, एक। अभी तक नहीं लाया कंबा। अस्टेला देखो बैरा क्या लाया। मुझसे एंग्री है तुम? इसलिए कि मैं दारू का धंधा करता हूं। बच्चे नो यू नो स्टार तुम्हारा जॉनी धंधा क्यों करता है? मुझे हर बोतल में से कमीशन मिलता है। अब तक मैंने 200 रुपए कमाए लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम चाहते क्या? मैं चाहती हूँ तुम ये खोटा धंधा बिल्कुल छोड़ दो। मैं चाहती हूँ मेरा जो जेंटलमैन और ये सब जो होटल में ठहरे हैं और मेरी लाइक की विस्की पीते हैं, ये सब कौन है? सब जेंटलमैन है स्टेला। रूम नंबर 3 हाई कोर्ट का एडवोकेट, एवरी इवनिंग उसकी मैं घोल कर पी जाता। रूम नंबर 8 सेठिया, वेरी बिग बिजनेसमैन, मोटर कार्स का ब्लैक मार्केटिंग करता। रूम नंबर 13 मिस्टर सोनावाला, लेकिन जो मेम साहब उसके साथ है ना वो मिसेस सोनावाला नहीं है। रूम नंबर 2 जॉनी बस वो लोग पूरे है तो हूँ पर मैं समझती थी कम से कम मेरा जॉनी ऐसा नहीं। स्टेला मैं जॉनी हूँ, सेंट जॉन नहीं। Want to hear my story? My father
आर्मी सर्जेंट। वेरी गुड मैन। एवरी संडे जस्ट ले जाया करता था। चाहता था मैं पढ़ूं, लिखूं। चाहता था मैं बिग मैन बनूं। बर्मा वॉर में मारा गया। मां ने दूसरी शादी कर ली और मुझे ऑर्फनेज में डाल दिया। स्टेला, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारे डैडी भी हैं और मम्मी भी, और मैं और अनाथ। दैट्स मी। मेरी लाइफ, नो मम्मी, नो डैडी, नो जॉब, नो एजुकेशन, नो मनी, नो लव। राइट, कुछ नहीं, आप गुस्सा थूक दो और मुस्कुरा दो। स्माइल। वाई 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 हंसी, वाई 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 वाई। स्टेला चलिए। हेलो बॉस। देखो जॉनी, दो बोतलें विस्की, एक जिन, दो ब्रांड, 13 नंबर। बॉस अभी तो बहुत देर हो गया, रात है। क्यों, डर लगता है? नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या हुआ? टाइम ज्यादा हो गया तो बख्शीश भी ज्यादा मिलेगी, पूरे 100 रुपए। 100 रुपए? 100 रुपीज 5 बॉटल। हाँ, वो लोग लखपति है इसीलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। I want to help you, boy. Really, boss? Thank you. I'll go, boss. मैं अभी आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर देसाई, मैं फरेरा बोल रहा हूँ। जी हाँ, थी जॉनी के बारे में। मेरा शक है वो पुराने मंदिर की तरफ गया है। अजी, ये तो हमारा फर्ज है। गुड नाइट। गुड नाइट। अबे ओ नंदू, हमारी कंजी ले यार। दादा, दादा आज 50 कंजी बना कर आए हो? जी तारा पट्टे। दादा सवेरे ही सवेरे उठ बैठे। जल्दी दादा। क्या है बोलता? जरा उस दारू वाले गोरे साहब को उठा देना, उसके 3 महीने पूरे हो गए हैं, आज उसे छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, स्टेला डार्लिंग, स्टेला हमें टिकल होता है। अरे वाह, ये तो सपने भी अंग्रेजी में देखे। अरे अंग्रेज साहब उठ जाए आप तो। हाँ, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग जॉनी। इस स्टेला कौन है जिससे तू सपने में गिट-पिट कर रहा था? स्टेला नहीं दादा, स्टेला है। तुम नहीं समझोगे दादा, ये लव मैटर की बातें हैं।
मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे घर किसी की भी फ्रेंड नहीं होती बेटा, गंजे दादा की बात याद रख। तू तो यहाँ जेल की रोटी खा रहा है और वो वहाँ किसी के साथ बैठी भी मक्खन टोस उड़ा रही होगी और शाम को पकड़ कर अंग्रेजी जानस कर रही होगी और बस। तो मत बोल दादा, सुनो वो मेरी फ्यास है, उसके साथ मेरी मैरिज होने वाली है। मैरिज यानी ब्याह? हाँ ब्याह। मगर बेटा घर बसाना है तो जाते जाते मुझसे दो चार पैतरे सीख ले, ज्यादा टाइम नहीं, नहीं तो तुझे खलीफा बना देता। खलीफा? तेरी जवानी और मेरी खोपड़ी मिलकर लाखों का सफाया कर देते। नो थैंक यू दादा, अपना क्राइम का बिजनेस बिल्कुल खलास और स्टेला भी ये वर्क एकदम लाइक नहीं करती। अब तो यहाँ से छुट्टी मिलते सीधे घर पर होटल जाऊंगा दादा। अपना जो बॉस है ना वहाँ का, धंधा खोटा करता है लेकिन दिल का वेरी गुड, एकदम जेंटलमैन। उसे 3 महीने की पगार लूंगा 300 रुपीज और एक मोटर रिपेयर का गराज खोलूंगा दादा। कभी गाड़ी पंचर होगी ना तो सीधे वहां चले आना, आई वेरी यूजफुल मैन देन। अपनी मोटर पंचर होती है बेटा तो अपन को इधर ही आना पड़ता है, और इस गराज में मरम्मत तो ऐसी होती है कि अपने तो कल पुरजे ही सब ढीले पड़ गए और अब के तो पूरे 3 बरस काटने। दादा आई एम सॉरी, हम भूल गए। अरे तू तो ये भी भूल गया था कि ये तेरा आखिरी दिन है यहाँ। आज तू यहाँ से जाने वाला है अपनी सेठला के पास। रियली? छुट्टी 3 महीने खड़ा फ्रीडम? दादा देन इट इज गुड बाय। स्टेला हियर आई कम। Hello, boss. Hello, Johnny. How are you? First class. Sorry for the accident. बड़े घर में कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं बॉस, वो जगह भी बिल्कुल पर्वत होटल का मानते थे। वैसा ही कमरा, वैसा ही खाना और ड्यूटी सिर्फ 6 घंटा बॉस। वेरी गुड, वेरी गुड। जॉनी अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बॉस अभी हम अपना काम शुरू करेंगे बॉस, अपना एक मोटर गैराज खोलेंगे। सो इफ यू डोंट माइंड बॉस, वो 3 महीने का पगार तुम याद है, तुम बोला कोई गड़बड़ घोटाला होगा तो 100 रुपया महीना देंगे हमको। याद है जॉनी, हम भूला नहीं। तुम्हारा पसीने का पैसा है, कैसा भूलेगा। हेलो 1 2 3 थैंक यू वेरी मच बॉस। बॉस तुमको याद है वो रुस्तम बाबा का आया स्टेला, उसका डैडी बहुत बीमार था, उसको क्या हुआ कुछ मालूम? स्टेला का डैडी? हम उसको सैनिटेरियम भेज दिया, डॉक्टर लोग कहता है 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। वेरी काइंड बॉस, आज फजर को हम गंजा दादा से यही बोलता था कि हमारा बॉस दिल का बहुत अच्छा आदमी है, एकदम जेंटलमैन। बाय द वे बॉस, स्टेला का एड्रेस मालूम? स्टेला का एड्रेस मालूम है जॉनी। मिसेस फरेरा से मिलो। मिसेस फरेरा? मैं कहलूंगा काला सूट। बॉस दारू मिलती, धोखा और फ्रॉड मिलता है, जॉनी का ड्रीम और स्टेला की ब्यूटी बिकती है, आज मिस्टर फरेरा का। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। मुझे डैडी को सेना जॉनी भेजना जरूरी था। जॉनी ये सब मैंने खुद किया है। हट जा।
जॉनी। हेलो हेलो ठेकेदार साहब, व्हाट मैन, हाउ आर यू? अरे वेरी गुड। बोलो, इंजन की प्यास पहले बुझाओ या तुम्हारे? इंजन को मारो गोली यार, पहले मेरी प्यास का इंतजाम करो। सर होली है मास्टर। ओके ओके, देखो मेरा कागज में लपेट के लाना। श्योर मैन, श्योर। Holy mother, forgive me. First class माल है, अभी तैयार किया। Very good. Thank you, madam. Thank you, boss. थोड़ी सड़क और बन गई। सड़क? कैसी सड़क जानी? चांदी की सड़क। इधर से लेकर तरबत होटल तक। What man? तुम नहीं समझोगे ठेकेदार साहब, ये love matter की बातें हैं। Go. Love matter. चुंबे, मरना चाहता है क्या? मरना तो चाहता हूँ बाबूजी, लेकिन मुझे यहाँ किसी का इंतजार है। माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। लड़की? बोलो बोलो, कहाँ है वो? कहाँ है यही तो नहीं मालूम। कई महीने हुए इस चौराहे से गुजरी थी, मगर यहाँ तो तीन सड़कें हैं, एक पगडंडी है, जाने कहाँ चली गई है। शायद रास्ते में आपको मिली होगी। मगर यार उसका कोई अता पता तो बताओ, लड़कियों के बारे में अपनी निगाह बहुत तेज है। हाँ, रंगत काली है, मैं उसे काली कलूटी बैंगन लूटी कहा करता था। बस और तो कोई खास बात नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरी सब कुछ है। जन्म की चमारन है, मेहनत मजदूरी करती होगी। आपने उसे देखा है बाबूजी? जरूर देखा। कहाँ देखा? जल्दी बताइए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मंद हूँ। ऐसी कई सौ लड़कियां मेरे यहाँ काम करती है, समझे? आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहिए बाबूजी, क्या काम करते हैं? मैं पत्थर में से सोना निकालता हूँ। देखो, तुम इसे जरा संभाल के मेरे बंगले ले जाओ, कल होली है ना। सलाम साहब। सलाम। कहो, काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सरकार। वेरी गुड। काम मशीनी की तरह चल रहा है सरकार। Thank you.
अच्छी है उमरिया थोड़ी है चुनरिया मुहे भी रंग देता जा मुहे भी रंग देता जा मोर सजना मुहे भी रंग देता जा पग मोर बहके यंग मोर दहके कभी तो सुध लेता जा कभी तो सुध लेता जा मोर सजना कभी तो सुध लेता जा तो ऐसे भाग रही है जैसे किसी का खून किया हो। नहीं बाबू, मैंने जानबूझकर उसका खून करना नहीं चाहा, पर वो बहुत दारू पी हुए था, उसकी नियत बहुत खराब थी बाबू। सो तुमने ठेकेदार संपूर्ण सिंह को मार डाला,
मैं जानता था एक दिन ये होने वाला है, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? चावली। पर अब क्या होगा बाबू? इसका फैसला तो अदालत करेगी। पागल हो गई हो? जो भागते हैं वो अपराधी होते हैं। घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। ना बाबू मैं ना जाऊं। चलो ना बाबू। करने की क्या बात है, चलो। अरे ये जय ना। तो फिर कहाँ गई? इधर आओ। हाय माँ, ये तो जिंदा है। कहिए ठेकेदार साहब, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं नंदल बाबू, जरा एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था अंधेरे में। बहुत ही गहरा अंधेरा होगा। कहिए तो आपके इलाज वगैरह का इंतजाम किया जाए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। थैंक यू। आपकी मर्जी। भगवान तेरा शुक्र है, ये झगड़ा तो निमट गया। नहीं, अभी ये झगड़ा खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। अगर ठेकेदार की करतूतों का पोल न खोला गया तो आज तुम्हारी बारी थी, कल किसी और की होगी। क्या होगा? तुम्हें सब मजदूरों के सामने बयान देना होगा, ठेकेदार की बदमाशी का पोल खोलना होगा। तुम चाहो बाबू कि मैं भरी पंचायत में अपनी बेइज्जती की कहानी अपनी जबान से सुनाऊं? हाँ, तुम्हें यही करना होगा। ना बाबू ना, ये मुझसे ना होगा। चावली देवी, चावली देवी, बाबू तुमने मुझे भी कहा? हाँ। मैं तो चमारन हूँ। जिस धर्म में मैं विश्वास रखता हूँ उसमें चमारन भी देवी होती है। बड़ी गर्मी है ना आज, क्यों पानी पिलाओगी? जरूर। मैं अछूत हूँ बाबू। तब तो ये पानी भी अछूता होगा। क्यों अकेली ही रहती हो? शादी नहीं हुई क्या? हुई थी जब मैं छोटी थी। फिर बूढ़ा पति स्वर्गवास हो गया और तुम दुनिया में अकेली रह गई। तुम कैसे जानो हो? हमारे देश में कितनी बाल विधवा है, पर तुम्हारी जाति में तो दूसरा ब्याह हो सकता है। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? ऊंची जात का था वो। ये दुख है तुम्हें, जानती हो वो जमाना दूर नहीं जब ये जात पात नहीं रहेगी, ऊंच नीच नहीं रहेगी, तब प्रेम कहानियों का अंत इतना दुख भरा नहीं होगा। कब आएगा वो जमाना? बहुत जल्द आएगा, मगर इसके लिए बहुत से लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, बलिदान करना। कुर्बानी? बलिदान? हाँ, जानती हो जब दुनिया के सारे पानी में जहर मिल गया तो भगवान शंकर ने क्या किया? मनुष्य जाति की भलाई के लिए सारा जहर खुद ही पी गए। तो तुम मुझसे क्या चाहो हो बाबू? यही कि तुम अपनी बस्ती वालों की खातिर बदनामी का जहर पी लो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख होगा, लेकिन इसी में तुम्हारे साथियों का सुख है। कहो, तुम्हें मंजूर है? अच्छा बाबू, आज तुमने एक अछूत के हाथ से पानी पिया है, तुम्हारे हाथों तो जहर भी पी लूंगी। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब। तोरे क्या हुआ? तू तो ऐसे घबराए हुआ आ रहा है जैसे दिन दहाड़े भूत देखा हो। भूत नहीं, भूतनी, उस कमबख्त चावली ने मजदूरों की भरी सभा में सब कुछ उगल दिया है आपके बारे में। समझा, ये जरूर उस बदमाश निर्मल की करतूत है, वरना एक अनपढ़ मजदूर नहीं इतनी हिम्मत कभी नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, निर्मल बाबू मजदूरों को आपके खिलाफ भड़का रहे थे। मगर उनके पास सबूत क्या है? वो निर्मल अपने आप को बड़ा लीडर समझता है ना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर देखा जाएगा। तुम कहो जी, काम तो ठीक हो रहा है ना? अभी तक सुन लगने की आवाज नहीं सुनाई थी। यही कहने चला हूँ सरकार, खान में हड़ताल हो गई है, कोई भी मजदूर काम पर नहीं आया। हड़ताल?
रामू काका, क्या हाल चाल है? जाओ जाओ अपना काम करो, हम ठेकेदार के गुर्गों से बात भी नहीं करते। अरे भाई बात नहीं करते पर काम तो करो, एक आवारा चमारन की खातिर अपने बाल बच्चों को भूखो मारना ये कहाँ की अकलमंदी है? हमारी चावड़ी दीदी के बारे में एक शब्द भी जबान से निकाला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? जाओ अपने ठेकेदार से कह दो अगर हमसे काम कराना हो तो यहाँ आओ, माफी मांगो और अपनी मुझे नीचे करो। मेरी मुझे नीची करने को कहते हैं उन दो कौड़ी के मजदूरों की ये मजाल, और वो भी एक नीच चमारन की खातिर। साहब आप फिक्र न कीजिए, 10 ही दिन में इनके घरों में फाके हो रहे हैं, बहुत जल्द ये लोग सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। और देखो तुम भी बढ़िया से कह दो किसी को राशन उधार न दे, फिर देखता हूँ कि इन्हें कौन खाने को देता है। सबको मिलेगा। बिरादर आपका खत मिला, दिलावर खान चला, एक मिनट के वास्ते भी नहीं रोका। सलाम अलैकुम दिलावर खान, कहो क्या क्या ले आए? चावल है, गेहूँ है, तेल है, सब सामान खाने पीने का है। हमारा सड़क के मजदूर ने सब आपके लिए भेजा। अरे वाह वाह, हमारे साथियों ने इतना सारा सामान खाने का भेज दिया। अब तो ठेकेदार को हमारे सामने आकर मुझे नीचे करनी ही पड़ेगी। आई एम सॉरी चावली। क्या अंग्रेजी में किटपिट करते हो, हिंदी में कहो। मुझे क्षमा करो चावली। चावली नहीं, चावली देवी कहो। चावली देवी मुझे क्षमा करो, मैं उस नशे में था। तो फिर मुझे नीचे करो। करो नीचे। सॉरी निर्मल भैया, निर्मल भैया। नहीं नहीं नहीं, हमारी जीत किसी और की कुर्बानी से हुई है। कहो चावली देवी की जय। चावली देवी की जय। चावली देवी की जय। चावली देवी की जय। चावली देवी, चावली देवी। क्या है बाबू? वहां तो तुम्हारी जय जयकार हो रही है, मगर तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं संपूर्ण सिंह के ठेके में काम ना करूँ। तो फिर कहाँ जा रही है? जहाँ भगवान ले जाए। तो हमारे साथ चलो। कहाँ? एक सड़क बनाने। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मैं, ठेकेदार तुम, हम सब मिलकर काम करें। मजदूरों की अपनी कमेटी को सरकार ने ठेका दिया है। ना बाबू, अब मुझ में काम करने जिंदा रहने की भी शक्ति ना है। तब तो तुम्हें हमारे साथ जरूर चलना चाहिए। ये कोई माह जो हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारी तरक्की का नया रास्ता है। सिर्फ उसी रास्ते पर तुम्हें वो मिल सकता है जिसकी तुम्हें तलाश है। ये सड़क इस चौराहे तक आएगी जहाँ सुल्तानाबाद, रामकुंड और होटल पर्वत वाली सड़कें मिलती हैं। बीच में छोटा पर्वत की पहाड़ी है, लेकिन ये भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जब दोनों तरफ से सड़क इस पहाड़ी तक आन पहुंचेगी तब हम इसे डायनामाइट छोड़ा देंगे। बाबू ये डायनामाइट का है? डायनामाइट यानी डायनामाइट, बारूद से भी बढ़कर एक चीज होती है जो चट्टानों को भी उड़ा देती है। मगर चावली देवी ये क्या, फिर तुम जमीन पर बैठ गए? उठो और कुर्सी पर बैठो। नहीं बाबू, मैं कुर्सी पर ना बैठूं, मैं ठहरी नीचा, तुम ठहरी अफसर। अफसर? फिर मैं हुक्म देता हूँ, उठो उठो और कुर्सी पर बैठो। सुनो चावली देवी, ये हमारी 60 मील लंबी सड़क कोई मामूली काम नहीं, हमारी पंचवर्षीय योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और सोशलिज्म को करीब लाएंगे। सोशलिज्म? ये सोशलिज्म कहाँ हुए है? सोशलिज्म भी एक किस्म की डायनामाइट है जो पुरानी दुनिया के पुराने विचारों को उड़ा देगी और एक नई दुनिया को जन्म देगी। थारी ये नई दुनिया कैसी होगी बाबू? बड़ी अनोखी, बहुत ही सुंदर, जहाँ कोई नंगा भूखा और बेघर न होगा। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। अच्छा नहीं, शर्म लगी है। इसमें शर्माने की क्या बात है, क्या सवाल पूछना चाहती थी? थारी सोशलिज्म में एक अहीर का छोरा चमार की बेटी से ब्याह कर सकेगा? जरूर, इस नई दुनिया में प्यार के रास्ते में समाज की बनाई हुई दीवारें नहीं होंगी,
इसी दुनिया की तरफ जा रही हमारी ये सड़क। क्यों, क्या कहती हो? तब मैं जरूर बनाऊंगी ये सड़क। ये सड़क नहीं बन रही है, ये हम जैसे ठेकेदारों की कब्र खोदी जा रही है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक एक मेंबर से कहना चाहता हूँ, सवाल 50-60 मील लंबी सड़क का नहीं है, सवाल 10-15 लाख रुपए के ठेके का नहीं है, सवाल ये है। ये सवाल उसूल का है मिस्टर परेरा। नवाब साहब आप सही फरमाते हैं, सवाल है उसूल का, और उसूल ये है कि हर शख्स को ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन आज मजदूरों की अपनी कमेटी अगर किसी ठेकेदार के बगैर ये सड़क बनाने में कामयाब हो जाती है तो कल हर सड़क का ठेका हमसे छीन लिया जाएगा। आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता ठेकेदारी को मलियामेट करने पर तुले हुए हैं। अरे आज ही का पेपर पढ़िए ना, हमारे सबसे बड़े नेता जी कहते हैं अगर ठेकेदारी के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए तो हमारे देश को करोड़ों रुपए की बचत हो जाएगी। ये देखिए इस चौराहे पर जहाँ तक ये नई सड़क जाने वाली है, तीन और सड़कें मिलती हैं। इनमें से सबसे पुरानी सड़क ये है जो रामकुंड के पवित्र तीर्थ स्थान तक जाती है। ये ठेका हमारे नकरदादा को मिला था। और ये दूसरी सड़क नवाब साहब जाती है आपकी रियासत सुल्तानाबाद तक। अरे भाई अब हमारा उससे क्या वास्ता रहा, अब्बा मरहूम कहा करते थे इस सड़क पर पूरा 1.5 लाख का मुनाफा हुआ था उनको। और ये तीसरी सड़क जाती है हमारे होटल पर्वत तक, इसका ठेका जॉनसन कंपनी को मिला था जिसका मैं उस वक्त मैनेजर था। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं अपनी, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने अपना ये होटल इसी ठेके में से बनाया था। और ये चौथी सड़क बनाएंगे वो अनपढ़ जाहिल मजदूर जिनमें सुना है मेरा पुराना ड्राइवर दिलावर खान भी काम करता है। जी हाँ नवाब साहब, वो निर्मल कुमार अपनी सड़क बनाने के लिए गांव गांव घूमकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों खान, तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए इतने दिन हो गए, औरतों से तुम्हारी नफरत कम नहीं हुई? ओ जय निर्मल बाबू, आपको नहीं मालूम ये औरत के साथ बहुत बेवफा होता है। लगता है गहरा तरका खा चुके हो। क्यों ठीक है ना, मुझे बारिश इतना जोर का होता है कि सड़क नजर नहीं आता है, अभी थोड़ा देर में सर्दी भी पड़ेगी। पर्वत होटल वाले चौराहे पर पहुंच जाए तो चाय पी ले। मुझे पर्वत होटल वाला चौराहे पे हम नहीं रुके। क्यों क्या बात है, उस चौराहे से इतना खफा क्यों? हाँ निर्मल बाबू, उधर हमारा कुछ खो गया, हो सकता है वहीं आज मिल भी जाए। क्या है दिलावर, ओ चले बाबू ये लड़की खुद कैसे करना मन है, ये तो बेहोश है, चलो किसी डॉक्टर के हाल ले चलो। इसने रात को डॉक्टर से मिले चौराहे पर जाकर देखते हैं। तेरा जाने है अपनी अकेला बस मैं समेत। क्यों भाई यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? ये मोटर गाड़ी का अस्पताल है मैम, तुम्हारी गाड़ी बीमार है इधर लेकर आओ, अपन डॉक्टर इधर का। थोड़ी सी ब्रांडी मिलेगी? ब्रांडी मैन गुड बहुत माल है, लेकिन रात का टाइम है बरसात बहुत होता है, 100 रुपया लेंगे हम। लेकिन हमारे पास इतने रुपए नहीं, और फिर गुड बाय मैन। ओ ब्रांडी हमको रुपया मांगता है, 200 रुपया मांगता है। जनता को रुपया काय को मांगता है, इधर से लेकर पर्वत होटल तक और पर्वत होटल से लेकर माउंट मैरी के चर्च तक चांदी का सड़क बनाना मांगता, मिसेस फरेरा के वास्ते नशा निकालो अगर नशा मांगता है तुमको। देखो मिस्टर ये ब्रांडी नशे के लिए नहीं दवा के लिए चाहिए, एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, बारिश में भीगकर निमोनिया का डर है, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ लाए। ओके ओके मैन लेकर आओ, इधर 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 रखो इधर उसको, ब्रांडी मांगता तो हमको 100 रुपया मांगता है। गर्ल और नो गर्ल, बिजनेस इज बिजनेस मैन। माजरा कार गन्ने मैं वादा करता हूं
जिस दिन मुझे स्टेला मिल जाएगी मैं धंधा बिल्कुल छोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस। Poor darling, Stella. Johnny. Stella. लेकिन नहीं, तुम तो मिसेस फरेरा हो ना? नो जॉनी नो, वो सब झूठ था। मैं मजबूर थी जॉनी, फरेरा ने तुम्हें मार डालने की धमकी दी थी। और अब? और अब मैं वहां से भाग आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे मालूम था कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, इसीलिए तो मैं मरना चाह रही थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। नो स्टेला, नो स्टेला, स्टेला, तुम नहीं मरोगी। मरेगा वो जिसने हम दोनों को दुख दिया। अब हम मिल गए। व्हाट मैन, थैंक यू होली मदर। थैंक यू उस जेंटलमैन को बोलो जिसने हम दोनों को मिलाया है। श्योर मैम। जेंटलमैन, थैंक यू जेंटलमैन। तो हमको स्टेला मिलाया, गॉड ब्लेस यू। हम तुम्हारा थैंक यू कैसे कर सकते हैं? इस चौराहे को छोड़ो और हमारे साथ चलो, एक सड़क बनाए। श्योर श्योर, ओके जेंटलमैन। लेकिन स्टेला ठीक हो जाएगा, तुम हमको जो बोलेगा अपन करने को तैयार है। अभी अपन को एक प्रॉमिस पूरा करना है। होली मदर, थैंक यू। मुझे स्टेला मिल गई है, मैंने वादा किया था ना, आज मैं उसे पूरा करूंगा। मिलाप हो गया, चलो हम चलें। लेकिन गाड़ी का इंजन चले जाएंगे, एक भी प्यारा यही रह जाए। काली कलूटी, सुना तूने? सारा चौरा सूना हो रहा। प्यारी को उसका दिलावर मिल गया, उसके साथ चली जा रही। स्टेला को जॉनी मिल गया, बस हम दोनों ही यहाँ रह गए अकेले, मैं और तुम। लेकिन भाई, तुम क्यों अकेले रहते? चलो हमारे साथ, तुम्हारे हजारों साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ
कहाँ इंतजार कर रहे और क्यों? हम मजदूर मिलकर एक सड़क बना रहे हैं, पहाड़ी के उस पार भी और इस पार भी। फिर पहाड़ी को उड़ा दिया जाएगा और सड़क के दोनों सिरे मिल जाएंगे। क्यों, चलोगे हमारे साथ? ना बाबू, मैं इस सराय को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यहाँ किसी का इंतजार है। कौन है वो? है तो एक मामूली सी लड़की बाबू, एक चमार की छोकरी। मैं उसे काली कलूटी कहता था, मगर नाम है उसका चावली। चावली? आपको मिली है वो? नहीं भाई, जो जिसकी है उसी को मिल सकती है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, ये रास्ता पूरा होने पर तुम्हें जरूर मिले। ये मामूली सड़क नहीं है, ये नई दुनिया का रास्ता है। नई दुनिया? क्या होगा आपकी इस नई दुनिया में? हर इंसान को उसका हक मिलेगा, खाना, कपड़ा और मकान। वो सब तो होगा, मगर आपकी इस नई दुनिया में प्यार भी होगा? किसी और ने भी मुझसे यही सवाल किया। तो फिर जवाब दीजिए। तो सुनो, समाज की बनाई हुई ये दीवारें, ये जात पात के पहाड़, हमारी नई दुनिया में ये सब टूट जाएंगे। मगर कब बाबू, कब? जब इस चौराहे पर हमारी चौथी सड़क आन मिलेगी, इसी रास्ते पर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। क्यों, हमारे साथ मिलकर बनाओगे ये सड़क? बनाऊंगा। ऐसे लगता है पहाड़ी के उस पार मुझे कोई बुला रहा है। साथी रे, कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। कदम कदम से दिल से दिल मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल साथी रे भाई रे, हम आज नींव रख रहे हैं उस निजाम की, उस निजाम की। बिके न जिंदगी जहाँ किसी गुलाम की, किसी गुलाम की। लुटे न मेहनते पिसे हुए आराम के, न भर सके तिजोरियाँ कोई हराम की। साथी रे भाई रे, हर एक ऊंच नीच को मिटा रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल से दिल मिला रहे हैं हम, कदम में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल साथी रे भाई रे, हमारे बाजुओं में आंधियों का जोर है, आंधियों का जोर है। हमारे धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथ में वतन की बागडोर है। न बच जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। साथी रे भाई रे, सुनो के अपना फैसला सुना रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, कदम में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। भाई कदम कदम चलेंगी सबके वास्ते मिलों की चरखियाँ, जमीन से आसमां तलक उठेंगी चिमनियाँ। साथी रे भाई रे,
कहा था जो वो करके अब दिखा रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल मिला रहे हैं हम, कदम एक नया चमन ला रहे हैं हम। साथी रे भाई रे उठे वो नौजवान जिनको प्यार चाहिए, वही वो दुल्हन जिन्हें सिंगार चाहिए, चले वो गुलशितां जिन्हें निखार चाहिए, वो बस्तियां जिन्हें बहार चाहिए। साथी रे भाई रे के जिंदगी को उत्साह हम दिला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल से दिल मिला रहे हैं हम, कदम से एक नया चमन ला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल से दिल साथी रे भाई रे ये रास्ता सुनहरी मंजिलों को जाएगा, मंजिलों को जाएगा, ये रास्ता खुशी की बस्तियाँ बताएगा, बस्तियाँ बताएगा। बिछड़ गए थे जो उन्हें करीब लाएगा, ये रास्ता वो है जो दिल से दिल मिलाएगा। साथी रे के अब तमाम फासले मिटा रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल से दिल मिला रहे हैं हम, कदम एक नया चमन ला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल से दिल मिला रहे हैं हम, कदम एक नया चमन ला रहे हैं हम। भाई कदम कदम से दिल से दिल। तो ठीक है प्रेरा साहब, पर तुम क्यों फिक्र करते हो? आज 5 अगस्त है और उन्होंने ठीक का पूरा करना है 15 अगस्त को। तो क्या इतनी बड़ी पहाड़ी को 10 दिन में काट के धर देंगे सौरे? खतरा कुछ ऐसे ही है सेठ साहब। तो आपने बधा ने एवो प्लान करवो जोइए कि सड़क नो काम 15 अगस्त नी अंदर तैयार नहीं थी जाए, समझिए। तभी हम सरकार को ये साबित कर सकते हैं कि बिना ठेकेदारों के कोई काम नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है नवाब साहब? तो सुनिए, अगर पान कड़वा चूना या तंबाकू ज्यादा हो, मुंह कटने का अंदेशा हो, तो उसे क्या करना चाहिए मालूम है? थूक देना चाहिए, चाहे लोगों को पान की पीक पर खून का ही धोखा क्यों ना हो। वाह 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 वाह, हमारे चेयरमैन नवाब साहब ने क्या पते की बात कही है। तो तुम क्या करना चाहते हो संपूर्ण सिंह? मैं तो सिर्फ पत्थर उड़ाना जानता हूँ फरेरा साहब, और जब कोई चट्टान कड़ी निकल आती है तो मैं सुरंग लगाते वक्त बारूद दुगना कर देता हूँ और चट्टान उड़ा देता हूँ, चाहे उसके साथ सुरंग लगाने वाले भी क्यों ना उड़ जाए। Thank you.
तुम्हारे दुश्मनों की उन्हीं कोशिशों के बावजूद तुम सबकी मेहनत से ये बारूद और डायनामाइट यहां तक पहुंच गई है। ये चट्टान जो हमारे रास्ते में खड़ी है अब धुला दी जाएगी, लेकिन सुरंग लगाने का कड़ा है, इसमें पहल मुझे करनी होगी। जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा तब तुम लोग आगे बढ़ना। हो सकता है आज मुझे कुछ हो जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि ये चट्टान जरूर टूटेगी, ये रास्ता जरूर बनेगा। अपनी सड़क पूरी करके 15 अगस्त का कौमी जश्न हम धूमधाम से मनाएंगे, और इस काम को पूरा करोगे तुम और तुम और हमारे वो साथी जो पहाड़ी के दूसरी तरफ हमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दादा तुम क्या बोले हो? ना बाबा ना, हम ले जाए और अपनी जान जोखिम में डाले। वैसे तुम नहीं जाएगा तो हम जाएगा। जिस मुबारक काम के वास्ते हमारा निर्मल बाबू शहीद हुआ वो काम हर किस नहीं रुक सकते। अच्छा खान, तुम बहुत बहादुर हो तो तुम जाओ, ये लो लाओ। मगर हम बाल के इसमें मामूली बारूद नहीं, जाना माठ है जाना माठ। वैसे हमको सब मालूम है। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों तुम लोग सब मेरे स्वभाव के दुश्मन हो? खाना, एक पठान का बीबी बनने वाला है और ऐसा बुजदिल के माफिक बात करता है हमको, यानी एक पठान को दर्पक बनाने मांगता है। अगर आज तुम्हारा दिलावर खान अपने फर्ज में हित भी हो जाए तो तुमको खुदा का शुक्र अदा करने मांगता है। सोचे तुम रोता है प्यारी खान। अरे तुम फिक्र मत करो, हम मरेगा नहीं। जाओ खुदा रसूल से दुआ करो कि वो हमको अपने इरादे में कामयाब करे। काली कलूटी, बहुत हो गया थे रे कंजे। चौराहे पर आगे रास्ता नहीं मालूम, रास्ते में पहाड़ था वो देख। पहाड़ टूट गया, रास्ते के सब पहाड़ टूट गए। अपने आप नहीं टूटे पगली, हमने तोड़ी थी रे भाई रे। भाई कदम कदम से दिल के दिल मिला रहे हैं हम, कदम में एक नया चमन फैला रहे हैं हम।